स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान कप्तान सौरव गांगुली ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को तीखे शब्दों में एक पत्र लिखा है। हाल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा है उस पर गांगुली ने अपनी निराशा और गुस्सा दोनों ही खुलकर जाहिर किया। BCCI के CEO राहुल जोहरी पर लगे यौन उत्पीड़न वाला मामला हो या फिर उस मामले में फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति का बनना, दादा ने खुलकर अपनी इस निराशा को जाहिर किया। BCCI सचिव अमिताभ चौधरी और BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष CK खन्ना को ईमेल लिखते हुए दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली ने कई मामलों पर सवाल उठाए हैं। गांगुली ने लिखा, मैं आपको ये पत्र भारतीय क्रिकेट में जो चल रहा है उससे भयभीत होकर लिख रहा हूँ। मैंने इस खेल को लंबे समय तक खेला है जहाँ हमारी जिंदगी सिर्फ जीत और हार के बीच होती थी और भारतीय क्रिकेट की छवि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। गांगुली ने BCCI की खराब व्यवस्था और करोड़ों फैंस के बीच उसकी बिगड़ती छवि के बारे में आगे लिखा, लेकिन चिंतित होते हुए मुझे लिखना पड़ रहा है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया के सामने भारतीय क्रिकेट का प्रशासन और करोड़ों फैंस के बीच उनके प्यार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। राहुल जोहरी मामले में दादा ने लिखा, मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है, लेकिन उत्पीड़न से जुड़े ताजा मामले ने BCCI की छवि को बहुत खराब किया है, खास तौर पर जिस तरह से इस मामले पर काम किया गया है। दादा ने कुछ अन्य मुद्दों पर खुलकर सवाल उठाते हुए लिखा, क्रिकेट के नियम 20 सीजन बदल दिए जाते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुना गया। कमेटी में किए गए फैसले सम्मान न करते हुए अचानक बदल दिए जाते हैं। कोच चयन मामले में भी मेरा अनुभव डराने वाला रहा। मेरा एक दोस्त जो बोर्ड की कार्य प्रणाली में शामिल है वह मेरे पास आकर पूछता है कि आखिर किसके पास जाए, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मुझे किसी अन्य एसोसिएशन से पूछना पड़ा कि किसे अंतर्राष्ट्रीय गेम के लिए न्योता दिया जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आखिर चल क्या रहा है। मामले की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए गांगुली ने चेताया और लिखा, सालों की मेहनत, शानदार प्रशंसकों व दिग्गज क्रिकेटरों के दम पर भारतीय क्रिकेट खड़ा हुआ है और हजारों फैंस इसी वजह से मैदान पर आते रहे हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि ये खतरे में है, उम्मीद है लोग सुन रहे हैं।